सिंगापुर से पटना लौटते ही राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आरएसएस और भाजपा पर जोरदार हमला किया है। राजद अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग जातीय जनगणना कैसे नहीं कराएंगे, इन लोगों को मजबूर कर देंगे। लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। वहीं लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ लालू यादव सिंगापुर हेल्थ चेकअप के लिए गए थे। अब पटना पहुंचते ही लालू यादव ने जातिगत गणना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को जातिगत गणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। बिहार में जातिगत गणना कराए जाने के बाद अब इसकी मांग पूरे देश में उठ रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और पूरे देश में जातिगत गणना कराने की मांग कर रहा है। वही सरकार के सहयोगी दल देश भर में जातीय गणना के पक्ष में है, हालांकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है और केंद्र की गठबंधन सरकार में शामिल जदयू, लोजपा, हम के अलावा अब आरएसएस ने भी देश भर में जातिगत गणना पर अपना मत रखा है। संघ का मानना है कि इसका उद्देश्य राजनीति के चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक के अंतिम दिन केरल में प्रेस से बातचीत में ये जानकारी दी है और इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि एनडीए के घटक दलों ने भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। जेडीयू और लोजपा सरकार में शामिल हैं और जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के समान ही चाहते हो कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी समय समय पर कहा है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया है, पर विपक्ष लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।